हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारे नु मित्र फोते बहुत बहुत प्यार। क्या हाल चाल है? आशा करती हूँ आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। वेल, आज का ये जो DIY होने वाला है, इसको प्लीज 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 आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में जरूर शेयर करिएगा। स्पेशली उन लोगों के साथ में शेयर करिएगा जिनको पार्लर में पैसे वेस्ट करना बहुत खराब लगता है। जी हाँ, क्योंकि आज का जो DIY मैं शेयर कर रही हूँ, ये फुल फेशियल होने वाला है, यानी कि स्किन की क्लींजिंग भी होगी, ब्लीचिंग भी होगी और बहुत बढ़िया पिंकिश ग्लो वाला आपको आज फेशियल क्रीम भी मिलने वाला है। शादी पार्टी फंक्शन या घर पे कोई गेट टुगेदर है या कोई स्पेशल ओकेजन है तो इसको आप कभी भी कर लेना। एक दिन पहले कर लोगे तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, और अगर आप सेम डे पे करते हो, आधे घंटे पहले करते हो, और ज्यादा बढ़ के ग्लो आने वाला है। स्किन तो भैया ऐसे लगने वाली है ना कि इंस्टेंट आपको दिखाई देगा स्किन लाइटें मार रहा है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी स्किन को क्लीन करेंगे। अब गंदे कैनवास के ऊपर तो कभी भी कोई आप कलर नहीं कर सकते ना, तो सबसे पहले हम क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के लिए क्लींजिंग मिल्क, इससे बढ़िया तो कोई और चीज हो ही नहीं सकती है। क्लींजिंग मिल्क हमारी स्किन को एकदम डीप क्लीन करता है, ठीक है। इसके साथ में मैं इसमें मिला रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा, ठीक है जी। एलोवेरा आपकी स्किन को हाइड्रेशन देता है, स्किन को डीप क्लीन करने के साथ में आपकी स्किन को हाइड्रेशन मिल जाए तो देखो जी, सोने पे सुहागे वाली बात है। कॉटन के साथ में हम इसके साथ में अपनी स्किन की क्लीन के लिए, जब भी आप कुछ भी स्किन केयर कर रहे हैं उसके पहले आपने अपने फेस को एक बार फेस को वॉश करना है, चाहे साबुन के साथ में या फेस वॉश जो भी आप लगाते हैं, और उसके बाद में आपने अपने चेहरे के ऊपर जो सेकेंड स्टेप हमारा डीप क्लीनिंग होती है उसको जरूर से जरूर करना है, ठीक है जी। तो ये देखिए, इस तरीके से हम दूध के साथ में हमने जो एलोवेरा मिलाया इसके साथ में हम अपनी स्किन को पहले बढ़िया से क्लीन करेंगे। अच्छा, ये दूध लगाने के बाद में आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसकी मसाज करनी है। आप देखेंगे कैसे आपकी स्किन के ऊपर जो आपने दूध लगाया था वो धीरे धीरे आपका ना जो कलर है उसका फेड हो जाएगा, यानी कि स्किन की जितनी भी गंदगी होगी ना वो सारी निकलेगी, ठीक है। तो अच्छे से हम इसको बढ़िया से क्लीन करेंगे, 2 से 3 मिनट की मसाज जरूर करिएगा। अब आप पार्लर जाते हो तो जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है, स्किन की क्लीनिंग का होता है, और उसमें वो कम से कम 4 से 5 मिनट तो लगाते ही लगाते हैं, पार्लर वाली दीदी लगाती है ना। अब यहाँ पे पार्लर वाली अगर भाभी, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप, इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसके ऊपर हमने कुछ नहीं लगाना है अभी, इसको एज इट इज छोड़ेंगे हम लोग। और अब हम तैयार करेंगे हमारी स्किन का फेस मास्क क्रिएट करें। उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, हमने सबसे पहले लेना है हनी, करीब करीब 1 चम्मच के आसपास आपने हनी ले लेना है, ठीक है। अब इसमें मैं मिलाने वाली हूँ जी बहुत ही कम, यानी कि 1/2 चम्मच के आसपास बेसन, ठीक है। 1/2 चम्मच हमने इसमें बेसन मिलाना है। इसके साथ में हमने इसमें मिलाना है 1 सोर्स विटामिन सी का। अब उसके लिए आप चाहो तो आलू का रस ले लो, चाहो तो आप 2 से 3 बूंदे नींबू की डाल लो, और नहीं तो आप टमाटर का रस यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं जैसे कि अभी देखिए टमाटर में इसी तरीके से मैं छेद कर रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसका जो पल्प है, जो इसका गूदा है, वही लेना है, ठीक है। विटामिन सी बहुत अच्छा मिलता है, और बहुत लोगों को ना नींबू सूट नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा जब मैं पढ़ती हूँ कमेंट्स, उसमें यही आता है कि दी हमें ना नींबू सूट नहीं करता, तो प्लीज़ आप नींबू का कुछ और हमें सब्स्टिट्यूट बता दिया करो। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि टमाटर लगा लो, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कितना लेना है टमाटर का रस, हमने करीब करीब 1 से 2 चम्मच हम इसमें टमाटर का रस ऐड करेंगे, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने ले लिया विटामिन सी का। अब हमारी स्किन के ऊपर जो डीप, जो डेड स्किन जम गई है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हमें सबसे पावरफुल और मेरी सबसे फेवरेट लेनी है आपने खांड। ये पाउडर ऐसा है जी, मैजिक कितना आपकी स्किन के ऊपर काम करता है, पॉलिश करता है ना, कि इसके आगे आप पार्लर वाले जो पॉलिशिंग है ना, जो 500-600 रुपए की होती है, सारी फेल है, ये तो ऑलमोस्ट खत्म है, मुझे वापस इसको भरना पड़ेगा। ये देखिए, तो मैं इसको लगाती हूँ बढ़िया से, और आप देखेंगे, आप इसको लगाएंगे जैसे ही आप खुद नोटिस करेंगे आपका स्किन एकदम से सॉफ्ट हो गया है, मुलायम हो गया है एकदम, मतलब लाइक जैसे जादू की तरह होता है ना, आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट मुलायम, कलर आपको चेंज दिखाई देगा आपकी स्किन का इसके बाद में। ये देखिए, इस तरीके से हमने लगा लिया बढ़िया से, अब आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने जो स्क्रबिंग कर ली है, स्क्रबिंग आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट ही करनी है, इससे ज्यादा नहीं करनी। अब मैं जरा हैंड वॉश करके आती हूँ और उसके बाद हम क्रीम तैयार करते हैं। तो चलिए जी, ये मैंने लगा रखा है, अभी मैं हैंड वॉश करके आ गई हूँ, अब हम तैयार करते हैं हमारी स्किन के लिए एक क्रीम। सबसे पहले हमें लेना है एलोवेरा जेल, मार्केट वाला ले सकते हैं, घर वाला ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ये क्रीम आप बना के मत रखिए, मैं ये बोलूंगी आप इसको अभी के अभी बना लीजिए और लगा लीजिए, बस उतना ही बनाइए जितना आपने अभी के अभी यूज में लेके आना, ठीक है।
ये हमने ले लिया एलोवेरा जेल। इसमें आपने लेनी है कोई भी एक ऐसी ऑयल जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। अब मेरे पास क्लोव ऑयल है, ठीक है, क्लोव ऑयल की मैं एक से दो ड्रॉप्स इसमें डालूंगी। आपके पास जो भी फेशियल ऑयल है आप इसको यूज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलती हूँ कि आपको एक ही ऑयल के साथ में फंसी रहना, नहीं, आप कुमकुम आदि ऑयल ले सकते हैं जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। राइट नाउ मेरा भी खत्म हो गया है और बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होता है। मैं आप लोगों को बोलती रह गई कि खरीद लो और मैं खुद खरीदना भूल गई, तो मेरा भी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, मंगाया है, देखो कब तक आता है। फिलहाल तब तक हम लोग क्लोव ऑयल यूज करेंगे, इसको हमने लेना है करीब दो ड्रॉप्स। तो ये हमने ले लिया, इसके साथ में अब मैं इसमें डाल रही हूँ जी मेरा फेवरेट बीट रूट। जी हाँ, आप देख रहे हैं बीट रूट मैंने कद्दूकस करके रखा है। इसका जो जूस है, इसका जो रस है, वो हमने सिर्फ लेना है इसमें, ठीक है। बहुत प्यारी क्रीम बनके तैयार होगी आपकी आज की ये, और देख के कोई बोल नहीं सकता कि आपने ये क्रीम घर पर बनाई है। इतनी बढ़िया क्रीम बनके आपकी मिलेगी ना, और जब आप इसको अपने चेहरे पर लगाएंगे, जब इसके साथ मसाज करेंगे, एक अलग ही ग्लो निकलेगा देखना आपके चेहरे के ऊपर, जो ग्लो आने वाला है। और देखिए मैंने बोला आपको क्वांटिटी कम ही बनाइएगा, एक ही बार के लिए बनाइए, फिर दोबारा आप बना लेना, ठीक है। क्या है, करीब 5-7 मिनट हो गए इसको करके, तो मैं इसको वॉश करके आती हूँ, फिर हम हमारी फेशियल क्रीम करते हैं। देखिए जी कितने बढ़िया से फेस एकदम क्लीन हो गया है। देंगे मसाज, बेस्ट मसाज होने वाली है जी आज की, ये देखिए, और एकदम पिंक पिंक ग्लो आपको दिखाई देगा। बहुत बढ़िया मसाज होगी आज की। और ये जो क्रीम बनके तैयार हुई है ना, इसमें भी आपको विटामिन सी मिल जाता है, बहुत सारा आपको इसमें हाइड्रेशन मिल जाता है। आप इसको हाथों पैरों के ऊपर भी लगा सकते हो। लगा देंगे अच्छे से मसाज करने के लिए, और उसके बाद में हमने करनी है मसाज। थोड़े से फेशियल स्टेप्स कर लीजिएगा, अगर आपको आते हैं नहीं आते हैं तो राउंड राउंड सर्कल में जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर लेना, ठीक है। इस तरीके से हमने मसाज कर लेनी है। ये मसाज आपने करनी है कम से कम 4-5 मिनट, और उसके बाद आपने इस क्रीम को अपने चेहरे के ऊपर छोड़ देना है कम से कम 15-20 मिनट के लिए। ये क्रीम बहुत बेस्ट काम करेगी, आपकी स्किन को बेस्ट हाइड्रेशन देने वाली है। और इस क्रीम को लगाने के बाद में ऐसा बिल्कुल आपको फील नहीं होगा घर की कोई क्रीम आपने लगाई हुई है आपके चेहरे के ऊपर। ये देखिए पता चल रहा है कोई क्रीम मैंने लगाई है। अब मैं इसको लगा के एज इट इज छोड़ूंगी, ये भी कम से कम आधा घंटे तक छोड़ दूंगी। उसके बाद में मैं सिंपल पानी के साथ में वॉश कर लूंगी, फिर मुझे भी निकलना है, कहीं जाना है। तो मैंने सोचा आप ना कर रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ। कैसी लगी आपको आज की ये मेरी DIY, कमेंट करके बताना जरूर। देखिए क्रीम गायब हो गई ना, बहुत बेस्ट क्रीम है, एक बार ट्राई जरूर करेगा। कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताना जरूर, मेरे वीडियोज में आपको क्या अच्छा लगता है। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, क्या अच्छा लगता है। चलिए जी मिलते हैं, ये क्या अच्छा लगता है, दो दो बार 3-3 बार हो गया, आई एम सो सॉरी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।